हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यानी कि एलपीपी और ऑपरेशनल रिसर्च यानी कि ओआर के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको एलपीपी से और ऑपरेशनल रिसर्च से मिला के टोटल आपके 8 क्वेश्चन आएंगे, तो लगभग उसी तरीके से आपके पास सेम 8 क्वेश्चन आपको एलपीपी को देखने को मिले और लगभग वही टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। जैसे कि आपको एक ग्राफिकल मेथड से करना होगा, आपको थोड़ा थ्योरी पार्ट के 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, एक कॉन्वेक्स सेट से फिजिबल रीजन को लेके, और इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन डुअल से आएगा, एक क्वेश्चन आपका ट्रांसपोर्टेशन मॉडल से, एक क्वेश्चन आपका असाइनमेंट से। बस 2 क्वेश्चन थोड़े अलग आ गए, बाकी 6 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो वही आए थे जो सिंपल क्वेश्चन है। और आपको मैंने कहा था कि ये आपको अच्छे से करके जाना, सिर्फ 2 क्वेश्चन अलग आया था जिसमें एक तो आपका मैक्सिमा मिनिमा से आपको करना है, वो बहुत ही सिंपल है बट मैंने कराया नहीं था, और एक क्वेश्चन आपका जो आया था जो 2-phase मेथड है। बस यही 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको नहीं पता होंगे, या फिर अगर आप ऑलरेडी जानते हो तो बहुत अच्छी बात है। बाकी 6 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल थे, बाकी 2 क्वेश्चन सिंपल थे बट जो 2019 और 20 में नहीं आया था, उसके पहले आया है बट 2019-20 में नहीं आया था। बाकी 6 क्वेश्चन आपके 2019 और 20 से रिलेटेड आए थे। तो ये 2 क्वेश्चन को छोड़ के बाकी 6 क्वेश्चन आपके बहुत ही सिंपल थे और वो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन हैं तो सारे टोटल क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले। इसके अलावा अगर आप पेड क्लास बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, टारगेट CSIR नेट GRF बैच, तो जो कि 11 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया। अगर आपको रजिस्टर करना है तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। फिलहाल जो भी बैच स्टार्ट है वो सिर्फ CSIR नेट का स्टार्ट है, IIT एग्जाम का रेगुलर बैच नहीं स्टार्ट होगा। अगर सिर्फ आप टेस्ट सीरीज के लिए स्टार्ट करना चाहते हो तो टेस्ट सीरीज के लिए रहेगा, बाकी रेगुलर बैच IIT एग्जाम का नहीं स्टार्ट होगा, सिर्फ संडे टू संडे टेस्ट रहेगा। अगर आप टेस्ट सीरीज के लिए ज्वाइन करना चाहते हो तो IIT एग्जाम के टेस्ट सीरीज के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी जो CSIR नेट का है तो आप देख सकते हो इसमें से रेगुलर बैच आपका नहीं होगा, सिर्फ टेस्ट सीरीज एंड सॉल्यूशन, मतलब टेस्ट सीरीज रहेंगे और उसके सॉल्यूशन रहेंगे, बाकी आपका रेगुलर बैच IIT एग्जाम के लिए नहीं स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप कोई भी इंटरेस्टेड होंगे आपके फ्रेंड, उनके साथ ये शेयर कर सकते हो। बात करते हैं CSIR नेट के लिए, अगर आप रेगुलर बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो आपका जो फीस रहेगा वो 1499 यानी कि 1499, और आपको 20% डिस्काउंट होगा अगर आप 10th अक्टूबर से पहले करते हो या 10th अक्टूबर तक, तो आपका जो फीस रहेगा वो 1199, ये आपका फीस रहने वाला है। तो 20% डिस्काउंट मिलेगा तो 1199 अगर आप 10 या उसके पहले करते हो। तो ये तो हो गया आपका CSIR नेट का। IIT एग्जाम के बारे में मैंने आपको बता दिया कि वो सिर्फ एक ही बैच स्टार्ट होगा, वो होगा टेस्ट सीरीज का, बाकी रेगुलर बैच IIT एग्जाम के लिए नहीं होने वाला। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप जल्दी मैसेज कर सकते हो, बाकी जो भी डिटेल चाहिए आप इस नंबर पे डिटेल ले सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू फॉर एन LP प्रॉब्लम, कि LP प्रॉब्लम के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है। दिस सेट ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशन टू एन LP प्रॉब्लम इज अ कॉन्वेक्स सेट, यानी कि जो सेट होता है जिसमें सारे फिजिबल सॉल्यूशन आते हैं, तो वो जो रीजन बनेगा वो एक कॉन्वेक्स सेट बनता है। एवरी हाइपर प्लेन इज अ कॉन्वेक्स सेट, और इसमें कह रहा है कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, या फिर सिर्फ स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 ट्रू है, या दोनों ही ट्रू नहीं है, या दोनों ही ट्रू है। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास है। तो जब आप कॉन्वेक्स सेट के बारे में डिस्कस करते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी रियल एनालिसिस में कॉन्वेक्स सेट का डेफिनेशन बताया है कि किसी भी सेट को हम कॉन्वेक्स सेट कब कहते हैं, जब उसके हर 2 पॉइंट को आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स सेट। जैसे मान लो अगर आपको कोई भी सेट दिया है, आप उसके हर 2 पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दो, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स सेट। ये डेफिनेशन आपको पता होगा, जैसे ये कॉन्वेक्स सेट नहीं है क्योंकि यहां पे एक पॉइंट ले लूं, यहां पे एक पॉइंट ले लूं, मैं इसको कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, दैट मीन्स दिस इज नॉट अ कॉन्वेक्स सेट, तो उसे हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स सेट। अब कॉन्वेक्स सेट को लेकर कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ रिजल्ट है LPP के अंदर,
जो हमें पता होना चाहिए। तो ये आप लोग कुछ रिजल्ट देख सकते हो, जिसे सबसे पहले लिखा रहता है कि जितने भी हाइपर प्लेन होते हैं वो कॉन्वेक्स सेट होते हैं, ओपन हाफ स्पेस और जो क्लोज हाफ स्पेस होता है वो कॉन्वेक्स सेट होते हैं। अगर आप फाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्वेक्स सेट का जो इंटरसेक्शन लोगे वो भी कॉन्वेक्स सेट आता है, लेकिन यूनियन ऑफ कॉन्वेक्स सेट मे नॉट बी कॉन्वेक्स सेट। द सेट ऑफ ऑल कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन इज अ कॉन्वेक्स, द कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन इज अ कॉन्वेक्स हल बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो ये कुछ स्टेटमेंट है जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट इसी स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आया हुआ है कि जितने भी हाइपर प्लेन होते वो कॉन्वेक्स सेट है। इसके अलावा आपको कुछ एलपीपी के फिजिबल सॉल्यूशन के लेके कुछ प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। जैसे आप इसमें देख सकते हो, सबसे पहला स्टेटमेंट, दिस सेट ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ एन एलपीपी इज कॉल्ड अ कॉन्वेक्स सेट, यानी कि कॉन्वेक्स सेट का और यहां पे फिजिबल सॉल्यूशन का जो पहला स्टेटमेंट है आपको पूछा गया है कि जितने भी हाइपर प्लेन होते हैं वो कॉन्वेक्स सेट है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ ए एलपीपी इज कॉल्ड अ कॉन्वेक्स सेट, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। आप बाकी सब भी देख सकते हो कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है एलपीपी का वो अपने ऑप्टिमल वैल्यू को हमेशा कहां एज्यूम करता है, तो वो कॉन्वेक्स सेट ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन के एक्सट्रीम पॉइंट पे करता है। जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होता है किसी भी एलपीपी के करेस्पॉन्ड एक एक्सट्रीम पॉइंट होती है जो कहां होती है, फिजिबल सॉल्यूशन के, मतलब कॉन्वेक्स सेट ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन। इसके अलावा दो स्टेटमेंट और दिया है, वो भी आप लोग देख सकते हो कि एवरी एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ कॉन्वेक्स सेट ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम करेस्पॉन्ड टू बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, और ये सब स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये सब स्टेटमेंट अगर आपको पता था तो आप डायरेक्टली उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे कि दोनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। और ऐसा नहीं कि बहुत ही डिटेल में आपको पूछा है, जस्ट अगर आप कभी भी प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ते हो कॉन्वेक्स सेट की या फिजिबल सॉल्यूशन की, तो सबसे स्टार्टिंग में ही दोनों स्टेटमेंट लिखे रहते हैं। तो यहां पे जो आपका स्टेटमेंट है ये भी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा कि द सेट ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशन टू एन एलपीपी इज अ कॉन्वेक्स सेट, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एवरी हाइपर प्लेन इज अ कॉन्वेक्स सेट, तो बोथ आर ट्रू, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन, मैंने आपको कहा था एक क्वेश्चन आप असाइनमेंट प्रॉब्लम के करके चले जाओ, एक ट्रांसपोर्टेशन मॉडल का करके चले जाओ, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको यहां से मिलने वाले। तो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल का क्वेश्चन तो नहीं मिला, नॉन लीनियर का भी नहीं मिला, बट आपको एक क्वेश्चन असाइनमेंट प्रॉब्लम के मिल गए। और मैंने आपको बताया भी था कि इस टाइप की प्रॉब्लम को आप कैसे कर सकते हो, हालांकि इसमें तो आपको टाइम भी नहीं लगेगा, आप डायरेक्टली देख के आप इसको यहीं से बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम ढूंढते हैं और हर एक वैल्यू को मिनिमम में से माइनस करते हैं, और कुछ प्रोसीजर है, बट इस क्वेश्चन के लिए वो इतना टाइम नहीं लगने वाला है, यानी कि आप इसको कम टाइम में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको गिवन क्या दिया है, अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो यहां पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और इसको असाइन करना है जहां पे उसे गिवन दिया है, यू वी डब्ल्यू, सपोज ये यू वी और ये डब्ल्यू। अब वैल्यू क्या गिवन है आपको, यहां पे 120 गिवन है, यहां पे 100, 80, 90, 110, 140, 120, ठीक है। अब ये गिवन है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो में से सबसे मिनिमम वैल्यू ढूंढते हैं। तो आपको दिख रहा होगा सबसे मिनिमम वैल्यू ये है, तो अब क्या करेंगे, उस रो के हर वैल्यू को, हर वैल्यू में से 80 को माइनस करेंगे। तो यहां पे सपोज ये फर्स्ट टेबल, जो मैं सेकंड टेबल बनाऊंगा वो क्या आएगा मेरे पास यहां पे, तो ये 120 में से 80 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू 40, 100 में से 80 को माइनस करेंगे 20 आ जाएगा और ये जीरो आ जाएगा। ऐसे यहां पे सबसे कम क्या आ रहा है, 80 आ रहा है, तो ये भी आपका जीरो, ये आपका 10 आ जाएगा और ये आपका 30, ये आपका सबसे कम ये यहां पे 110 है, तो जब इसमें से माइनस करोगे जीरो और ये माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 30, और इसमें से ये माइनस करोगे 10। अब यही चीज आपको कॉलम में करना है, तो इसमें ऑलरेडी एक जीरो, इसमें एक भी जीरो नहीं, तो सबसे कम क्या है यहां पे 10, एक्चुअल में इसमें सबसे कम जीरो है, तो जब हम माइनस करेंगे तो एज इट इज ये रहने वाला है, इसमें भी सबसे मिनिमम क्या है जीरो, जब इसमें माइनस करोगे तो एज इट इज होगा, बट यहां पे सबसे मिनिमम 10 है। तो अब मैं जो एक थर्ड टेबल बनाऊंगा उसमें वैल्यू आ जाएगी 40, 20,
सॉरी 20 में से 10 को माइनस करेंगे, ये तो एज इट इज रहेगा। जब हम सेकेंड कॉलम को चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 10, ये 0 और ये 20। अब हमको एलोकेशन करना होता है। अब एलोकेशन कैसे करते हैं, अब रो वाइज चेक करो, उसमें एक ही जीरो होना चाहिए और उस कॉलम में जितने भी जीरो रहेंगे उनको आपको कैंसिल क्रॉस करना रहता है। अब देखो यहां पे एक जीरो है और इसके रो में सॉरी कॉलम में एक भी जीरोस नहीं है, तो हम इसको एलोकेशन करेंगे। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या हो गया, यहां पे दो है तो इसको छोड़ देंगे। थर्ड वाला यहां पे सिर्फ एक ही है और उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में जितने भी जीरो आएंगे उनको आपको क्रॉस करना है। अब ये रो वाइज हो गया, अब हम कॉलम वाइज चेक करेंगे। तो कॉलम वाइज जब मैं चेक कर रहा हूं तो यहां पे कितना आ रहा है, एक जीरो, और इसके करस्पॉन्डिंग रो में जितने आएंगे उनको कैंसिल करना है। तो अब जितने भी जीरो है वो सब एलोकेट हो गए। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि फर्स्ट वैल्यू को जो फर्स्ट है उसको कहां असाइन करना है, ये थर्ड वाले में, और इसको हमने क्या दिया डब्ल्यू। सेकेंड को कहां एलोकेट करना है, सेकेंड वाले में, इसको नाम दिया हमने वी। और जो थर्ड वाला है उसको एलोकेट करना है फर्स्ट में, जिसको नाम दिया यू। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा कि फर्स्ट डब्ल्यू को असाइन होगा, सेकेंड वी को असाइन होगा एंड थर्ड इज यू को। डब्ल्यू वी यू, ये आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। तो चेक करते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डब्ल्यू वी। तो ये आप लोग चेक कर सकते हो कि जिसका आंसर आएगा डब्ल्यू वी यू। तो सिंपल था, इतना भी टाइम नहीं लगता, आप जितना स्पीड में कर सकते हो इसको उतना अच्छा है, बट ध्यान देना कोई मिस्टेक ना हो। तो आपका ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब ये देखो सेकेंड क्वेश्चन काफी दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर आपको मैक्स मीन मीन मैक्सी या फिर मीन मीन मैक्स मिक्स अगर ये प्रॉपर्टी पता है तो आप इसको इजिली कर सकते हो। तो इसमें जो क्वेश्चन ने पूछा है, द कॉस्ट ऑफ द कंपनी आर गिवन फॉर एवरी पेयर ऑफ स्ट्रेटेजी चॉइस। तो क्या पूछ रहा है आपको कि आपको निकालना है द वैल्यू ऑफ द गेम। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, जो भी आपको ये टेबल या डेटा गिवन है आपको इसका मैक्स मीन और मीन मैक्स निकालना होता है। ये सब आप कॉमर्स वगैरह में पढ़ते रहोगे, बहुत ही सिंपल, ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में आई थिंक होता है और एफवाई बीकॉम में भी रहता है। तो आपको जस्ट क्या चेक करना होता है कि मैक्स मीन मीन मैक्स, बाकी क्वेश्चन में दिया है वो आप एक बार रीड कर सकते हो। तो अब इसमें आपको करना क्या है कि अगर मैक्स मीन और मीन मैक्स अगर आपका इक्वल आ जाता है तो वही वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी वैल्यू ऑफ द गेम। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मीन मैक्स निकालेंगे और मैक्स मीन निकालते हैं, ठीक है। तो देखो अब इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट रो में आप सबसे मिनिमम निकाल लो, तो फर्स्ट रो का जो सबसे मिनिमम है वो 12 आ जाएगा। ऐसे सेकेंड रो का जो सबसे मिनिमम है वो 8, थर्ड रो का सबसे मिनिमम 2 और फोर्थ रो का सबसे मिनिमम -5। तो ये आपने क्या निकाला, मिनिमम निकाला। अब इसी का मैक्सिमम निकाल लो तो ये आ जाएगा 12। तो 12 आपका क्या है, आपने मैक्स मीन निकाला। पहले आपने मिनिमम निकाला हर रो का और उसके बाद उसका मैक्सिमम निकाला। ऐसे आप कॉलम में क्या करोगे, पहले मैक्सिमा निकालोगे और उसके बाद उसका मिनिमम। तो इसमें से आप जब मैक्सिमम निकालोगे तो 40, इसमें से आप जब मैक्सिमम निकालोगे तो आपका 15 आ जाएगा, इसमें से आप मैक्सिमम निकालोगे 12 और इसमें से मैक्सिमम निकालोगे 35। तो पहले आपने क्या निकाला, मैक्सिमम, अब इसका मिनिमम निकाल लो। तो इसमें सबसे मिनिमम क्या आ रहा है, 12। तो पहले आपने रो वाइज मिनिमम निकाला उसके बाद उसका मैक्सिमम, इसमें आपने पहले हर एक कॉलम का मैक्सिमम निकाला उसके बाद उसका मिनिमम। तो ये 12 और ये 12 दोनों इक्वल आ गए, दैट मींस जो वैल्यू ऑफ द गेम होगी वो कितना आ जाएगा, 12। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था, अगर आपको ये कैसे करना ये पता होता तो आप इसको इजीली कर सकते थे। तो इसका आंसर आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दैट इज 12। तो आप देख सकते हैं ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, -5, 0, 2 रॉन्ग है, सिंपल आपका ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसिडर दी फॉलोइंग एलपी प्रॉब्लम। आपको एक एलपी प्रॉब्लम दिया है मैक्सिमा का, कुछ कंस्ट्रेंट गिवन है, तो कह रहा है कि इस एलपी के पास क्या होगा, एक इनफिजिबल सॉल्यूशन आएगी या अनबाउंडेड सॉल्यूशन आएगा या बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आएगा या फिजिबल सॉल्यूशन होगा। अब ये आपको सॉल्व करना है। मैंने कहा था आपको एक ग्राफिकल मेथड का क्वेश्चन कंफर्म है कि एक क्वेश्चन आएंगे, इससे पहले दो दो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, इस बार सिर्फ एक क्वेश्चन आपको पूछा है। क्यों, क्योंकि आपको थ्योरी पार्ट में दोनों ही सिंपल क्वेश्चन पूछ लिए और दोनों ही क्वेश्चन आपका कॉन्वेक्स सेट से रिलेटेड है। अब आपको क्या करना है, इसके ग्राफ बनाना है और ग्राफ से आइडेंटिफाई करना है कि इनफिजिबल सॉल्यूशन है, अनबाउंडेड है या बेसिक फिजिबल है या फिजिबल सॉल्यूशन। आपको पता है ये फिजिबल सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए, जितने भी कंस्ट्रेंट है वो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अब हमारे पास देखो
हमें मैक्सिमा निकालना है किसका, z इज इक्वल टू 6x माइनस 4x2। और हमारे पास जो कंस्टेंट गिवन है वो गिवन है 2x1 प्लस 4x2 इज लेस देन 4। 4x1 प्लस 8x2 ग्रेटर देन 16। अगर आप ध्यान से देखो कि एक्चुअल में तो ये दोनों लाइन सेम है, अगर आप इसको चेंज करना चाहो तो आप इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा x1 प्लस 2x2 इज लेस देन 2। आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो ये आपका आ जाएगा x1 प्लस 2x2 इज ग्रेटर देन 2। रुको रुको, 2 से आ जाएगा ये 1, ये 2 और ये 2 से करेंगे 4, 2 सॉरी ये 4 आ जाएगा, ठीक है सॉरी, तो सेम नहीं है, अलग अलग है। अब इसका रीजन निकालते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम लोग रीजन कैसे निकालेंगे, अगर मैं फर्स्ट लाइन अपना निकालूं तो फर्स्ट लाइन में जैसे मैं यहां पे x1 के प्लेस पे 0 पुट कर रहा हूं तो x1 0 पुट कर दूंगा तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो जब मैं x1 को 0 पुट कर रहा हूं तो x2 की वैल्यू क्या आ गई, यहां पे हम लोग ले लेते हैं कि जब मैंने x1 को 0 पुट किया तो x2 मेरा 1 आ गया, जब मैं x2 को 0 पुट करूंगा तो x1 मेरा कितना आ जाएगा, 2। तो यहां पे सही सपोज मेरा जब मैं x को 2 पुट कर रहा हूं तो y मेरा कितना आ जाएगा, मतलब y को 0 पुट करेंगे तो x2 को 0 पुट करेंगे तो x1 मेरा क्या आ जाएगा, 2। ये सपोज x को हम लोग x1 ले लेते हैं और इस y एक्सिस को हम लोग ले लेते हैं x2, ठीक है। y इज इक्वल टू x2 और x इज इक्वल टू x1। तो यहां से मेरा एक लाइन हो गया। अब ये क्या कह रहा है, इसके नीचे वाला रीजन। सेकेंड क्या कह रहा है, जब मैं x1 को 0 पुट करूंगा तो x2 मेरा कितना आ जाएगा, 2, मतलब यहां पे कहीं पॉइंट आ जाएगी। और जब मैं x2 को 0 पुट करूंगा तो ये मेरा कहीं यहां पे 4 आ जाएगा, मतलब ये कुछ ऐसा आ जाए। अब ये क्या कह रहा है, इसके ऊपर वाला। अब एक बात बताओ, फिजिबल रीजन का मतलब क्या होता है, जब वो सारे कंस्टेंट को सेटिस्फाई कर, तो जो कॉमन सॉल्यूशन हमारे पास आता है, बट इसमें कोई भी ऐसा कॉमन सॉल्यूशन नहीं है जो दोनों कंस्टेंट को सेटिस्फाई करे, तो ये जो रीजन बन रहा है इसे हम लोग कहते हैं इनफिजिबल रीजन। ये अगर लेस देन होता तो ये वाली जो रीजन आती वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करती, बट इसमें ऐसा नहीं हो रहा, इसमें ऐसा कोई भी कॉमन रीजन नहीं है जो दोनों कंस्टेंट को सेटिस्फाई करे, तो देयरफॉर दिस इज इनफिजिबल सॉल्यूशन। तो डायरेक्टली आप ग्राफ को देख के बता सकते थे कि इसका जो सॉल्यूशन आएगा आपका वो इनफिजिबल, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ग्राफिकल मेथड के जो क्वेश्चन आते हैं वो जनरली आपको या तो अनबाउंडेड पूछेगा, या तो इनफिजिबल पूछेगा, या तो फिजिबल रीजन, जनरली आपको सॉल्व करने के लिए तो नहीं बोलते एग्जाम में। तो देखते हैं हम लोग कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें से आपका इनफिजिबल सॉल्यूशन करेक्ट हो जाएगा, अनबाउंडेड। अब जब सॉल्यूशन ही नहीं है तो अनबाउंडेड की तो बात ही नहीं आती, बेसिक फिजिबल नहीं, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, दैट इज इनफिजिबल सॉल्यूशन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 99, कंसिडर द एलपी प्रॉब्लम। आपको एक मैक्सिमम दिया है, वो सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट, ये आपके सामने कुछ कंस्टेंट है। और फिर कह रहा है देन द ड्यूअल ऑफ द अबो एलपी प्रॉब्लम इस मिनिमम डब्ल्यू, मतलब कुछ कंस्टेंट गिवन है। अब ये क्वेश्चन लगातार 2019 में भी आया था, 2020 में भी आया था और 2021 में भी आया, यानी कि लगातार 3 टाइम्स कह सकते हैं एज इट इज क्वेश्चन, वही आपको कोएफिशिएंट पूछ रहा है, आपको एक प्राइमल दिया है, उसका डुअल भी गिवन है, उसमें कुछ वैल्यू मिसिंग है, आपको जस्ट आइडेंटिफाई करना है कि वो वैल्यू क्या होगा। इसी टाइप के क्वेश्चन 3rd टाइम है, और मैंने कहा था कि जब लास्ट 2 ईयर में दिया है तो इस बार भी इसके आने के चांसेस कंफर्म है, और आपको सेम दे दिया गया, कुछ अलग नहीं है इसमें, सेम वही एक प्राइमल, आप उसका डुअल निकालो, और इसमें डुअल ऑलरेडी गिवन है तो कुछ वैल्यू कुछ कोएफिशिएंट मिसिंग है, आपको जस्ट कंपेयर करके वो निकालना है, और उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, आपको जेड एक मैक्सिमम प्रॉब्लम है, आपको पता है जब डुअल करते हैं तो वो मिनिमम हो जाता है, करेक्ट है। अब यहां पे जो आपको ये जो 10, 2, 6 ये जो कंस्ट्रेंट है ये आपका कहां चले जाता है, इसके ऑप्टिमल में चले जाता है, दैट इज यहां पे जो पी है ना वो आपका 10 हो जाएगा, ये जो क्यू है वो आपका 2 हो जाएगा, ये जो आपका आर है वो 6 हो जाएगा।
तो एग्जाम में आपको पहले ये देखना है कि इससे कौन से ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो रहे हैं। तो देखो मतलब पी क्यू आर इज 10 to 6, 10 to -6 ऑप्शन एलिमिनेट, 10 to 6 मे बी करेक्ट, 10 -2 इनकरेक्ट, -10 to 6 इनकरेक्ट, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो ये एग्जाम में आपको ऐसे करना था, जब आप पेपर लिख रहे हो तो आपको सारी वैल्यू नहीं चेक करनी है कि आप एक एक चेक करते बैठोगे, क्योंकि उनको पता है कि ऐसे क्वेश्चन को आप टाइम लगा सकते हो, बट जो स्मार्टनेस अगर दिखाएंगे तो आप इसको डायरेक्टली कर सकते थे, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ये जो वैल्यू है 1 -1 3, ये आपका ये जो लेस देन है ना, जब मैक्सिमम में लेस देन है तो मिनिमम में ये ग्रेटर देन में आ जाता है, ठीक है। और ये वैल्यू देखो, ये सब लेस देन ही ग्रेटर देन में आ जाएगा। तो अब देख सकते हैं यहां पे ध्यान से कि ये आपका जो है, ये जो ऐसे लिखा है, ये जो यहां पे 1 -1 3 लिखा है वो यहां आ जाएगा आपका 1 -1 3, बट यहां पे आपको कोई वेरिएबल नहीं मिल रहा है। अब इसके बाद जो ये लिखा है ना रो वाइज, मतलब 1 1 1, इसको आपको कॉलम में लिखना है। इसे समझो कि ये आपका 3x3 मैट्रिक्स है, इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स मान लो। तो अगर आप एक 3x3 मैट्रिक्स बनाओगे तो उसके एंट्री कैसे होंगे, 1 1 1, 2 -1 -1, 2 -1 -1, अपना उसका ट्रांसपोज ले दो और उसको यहां लिख दो, तो कैसे आ जाएगा, ये 1 1 1 जो चीज रो में लिखी गई है उसको आप कॉलम में लिख लो, 1 -1 1, समझ में आ रहा है। ये जो 1 1 1 था, सॉरी 1 1 था, आप इसको क्या लिखोगे, कॉलम वाइज लिखोगे, तो 1 1 1, तो यहां पे ऑलरेडी 1 है, यहां पे ऑलरेडी 1 है, बट यहां पे ए लिख दिया, तो ए के प्लेस पे आप क्या लिखोगे, 1। तो आप चेक कर सकते हो कि ये करेक्ट है या नहीं, क्योंकि मैंने पहले क्या कहा था कि एग्जाम में तो आपको एलिमिनेट करना होता है, आपने ये तो कह दिया कि ए सी डी इनकरेक्ट है, डेफिनेटली इनकरेक्ट है, बट बी करेक्ट है या नहीं, हो सकता है ना क्वेश्चन रॉन्ग हो, क्योंकि हमें तो ये भी करना है ना, जैसे किसी स्टूडेंट का अगर आंसर उसने इनकरेक्ट कर दिया है, उसको नहीं पता था तो मिस्टेक हो गया, तो अगर ये क्वेश्चन में एक भी ऑप्शन राइट नहीं है, भले उसने कुछ भी किया हो, तो उसके तो उसको तो मार्क्स मिलेंगे, इसलिए हम लोग चेक कर लेते हैं कि इसका बी करेक्ट हो रहा है या नहीं। तो यहां से आपको ए की वैल्यू क्या मिल गई, 1, तो यहां तक तो करेक्ट है। अभी मुझे बी और सी चेक करना है। अब जो आपको सेकेंड रो में दिख रहा है उसको सेकेंड कॉलम में लिखना है, तो 2 -1 -1, और हाँ यहां पे x1 x2 x3 यूज कर रहे, तो यहां पे y1 y2 y3 यूज करेंगे, जस्ट अ सिंबल। तो ये 2 -1 -1, तो आप चेक कर सकते हो यहां पे क्या आ जाएगा, 2 -1 -1 ऑलरेडी 1 है, तो यहां पे 2, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, ये b करेक्ट है। अब बचा c, ये 2, ये -2 और ये -3, तो आप यहां पे क्या लिखोगे, जो आपका थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम में लिखना, तो 2 -2 -3, तो सी की वैल्यू भी आपको 2 आ जाएगी। वैसे आप ये भी डायरेक्ट चेक कर सकते थे, आपको क्या करना था, देखो ये तो आपका यहीं से डायरेक्ट आ गया था कि ये जो 10 to 6 है, यहां पे 10 to 6 आ जाएगा। इसके अलावा आपको पूछ रहा क्या है, एबीसी, ये फर्स्ट रो है मतलब इसका फर्स्ट कॉलम, तो 1 2 2, तो ये आपका 1 2 2 डायरेक्ट आ जाएगा। आपको हर एक चेक करने की जरूरत नहीं, आप पहले देखो आपको पूछ क्या आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते थे। वैसे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना था, और ये क्वेश्चन बहुत कम टाइम में आप कर सकते थे, क्वेश्चन पूरी रीड करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये क्वेश्चन नया नहीं है, ऑलरेडी आपको आ चुका है, और जो क्वेश्चन आपको ऑलरेडी आ चुके हैं आप उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, उसको जितना हो सकता है जल्दी जल्दी करो। तो ये आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 100 देख सकते हो, ये पार्ट सी का सबसे लास्ट क्वेश्चन था। इसमें कह रहा है कि द नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल इन एन m×n ट्रांसपोर्टेशन टेबल। देखो एक क्वेश्चन आपको ट्रांसपोर्टेशन का मिल गया, बल्कि थ्योरी पार्ट का मिल गया, तो जब आप ट्रांसपोर्टेशन के थ्योरी पार्ट को देखोगे उसके पास कितने फिजिबल सॉल्यूशन, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, तो आप देखोगे कि इसमें जो नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल्स होते हैं वो कितने होते हैं, m+n-1 होते हैं। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं करना, m+n+1 नहीं बल्कि m+n-1, मैंने आपको जनरेट डीजनरेट ही बताया था, आप उससे भी याद कर सकते हो, तो इसका जस्ट थ्योरी पार्ट है, आपको याद होना चाहिए,
कि जो नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल्स होते हैं किसी m क्रॉस n ट्रांसपोर्टेशन टेबल के, वो n प्लस n माइनस 1 होते हैं, यानी कि आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये कह सकते हो, अगर मैं वो मैक्समिन वाला छोड़ दूं, तो जितने भी क्वेश्चन आए थे वो मैंने आपको पहले ही कहे थे, आप इतना ही करके जाओ, आपसे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन तो बन जाएंगे। हालांकि हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आपसे अलग आ जाए, तो आपके पास बाकी सब है ऑप्शन, लेकिन एलपी में आपको कम से कम 5। तो जितना मैंने आपको कराया था 16 क्वेश्चन, जस्ट उसी से आपके 5 क्वेश्चन तो डायरेक्ट आ रहे हैं, आपको कुछ नया करने की जरूरत नहीं थी। तो एलपीपी से भी आपके अच्छे स्कोर हो सकते थे। अगर आपका प्योर अच्छा नहीं गया है तो आप एलपी प्रॉब्लम, बाकी अप्लाइड के तो बहुत क्वेश्चन आए थे जो हमने यूट्यूब पे किए थे। इसके अलावा ये एक थोड़ा अलग आ गया था, इसके बारे में नहीं पता था कि कंसिडर दी फॉलोइंग ऑक्सिलरी एलपी प्रॉब्लम फॉर 2-फेज सिंप्लेक्स मेथड। तो एक्चुअल में होता क्या है कि सिंप्लेक्स के क्वेश्चन नहीं आते, हाँ हालांकि थ्योरी पार्ट में पूछ सकते हैं, बट सिंप्लेक्स के क्वेश्चन तो नहीं आते। तो अब 2-फेज सिंप्लेक्स का आ गया, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है आपको नहीं आता था तो आप इसको छोड़ सकते थे। तो इसमें क्या कह रहा है कि आपको एक फॉलोइंग ऑक्सिलरी एलपी प्रॉब्लम गिवन है 2-फेज सिंप्लेक्स मेथड के लिए, जो मैक्सिमम जेड स्टार इज इक्वल टू समेशन माइनस 1 एआई, जिसमें एआई जो है ये आर्टिफिशियल वेरिएबल है जो हम खुद से लेते हैं, यानी कि अगर लेस देन है तो हम उसमें एक पॉजिटिव नंबर ऐड करते हैं ताकि वो इक्वल हो जाए, अगर ग्रेटर देन है तो कुछ माइनस करते हैं ताकि वो उसके इक्वल आ जाए, ठीक है। और उसके बाद ये कंडीशन दिया इक्वल वाला कि समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n aij xj प्लस ai इज इक्वल टू bi एंड xj ai दोनों ग्रेटर देन। अगर जेड स्टार का जो मैक्सिमा है वो 0 हो जाए, और ये जो स्टेटमेंट दिख रहा है ना, एटलीस्ट 1 आर्टिफिशियल वेरिएबल इज प्रेजेंट इन द बेसिस विथ पॉजिटिव वैल्यू, तो बस इस ये जो वर्ड आपको पता रहेगा ना, मतलब ये जो स्टेटमेंट सॉरी, एटलीस्ट 1 आर्टिफिशियल वेरिएबल इज प्रेजेंट इन द बेसिक विद अ पॉजिटिव वैल्यू, देन द ओरिजिन एलपी प्रॉब्लम हैज एन नो इनफिजिबल सॉल्यूशन। इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, किसके पास कोई इनफिजिबल कोई भी फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होता, यानी कि इनफिजिबल सॉल्यूशन होगा, तो इसका ऑप्शन आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर ये आपको 2-फेज मेथड का आप स्टेटमेंट पढ़ोगे, जैसे उसमें अनबाउंडेड के लिए रहता है, फिजिबल सॉल्यूशन, फिजिबल रीजन के लिए, इनफिजिबल सॉल्यूशन के लिए, तो आप उसमें स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आपको ये मिलेगा कि एटलीस्ट 1 आर्टिफिशियल वेरिएबल इज प्रेजेंट इन द बेसिस विद अ पॉजिटिव वैल्यू, तो जो ओरिजिन एलपी प्रॉब्लम है वो उसके पास नो फिजिबल सॉल्यूशन। बाकी इसमें थ्योरी पार्ट काफी है, आप उसके बाद रीड कर सकते हो कि क्या होता है 2-फेज मेथड, सिंप्लेक्स मेथड क्या होती है, तो वो आपको सारे आइडिया क्लियर हो जाएंगे। तो बस आपको सेट में तो इतना डिटेल में नहीं पूछता है ना, वो सॉल्व करने के लिए पूछेगा, जस्ट आपको थ्योरी पार्ट पता होना चाहिए। तो ये थे हमारा आज का लेक्चर, जहां पे हमने एलपी प्रॉब्लम के क्वेश्चन को डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम या तो रियल एनालिसिस के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे या फिर ग्रुप थ्योरी के। देखा जाए तो ऑलमोस्ट 55% या कह सकते हैं कि 60 क्वेश्चन तक 60% हमारा हो चुका है, या 60 या 58 जो भी है, तो बचे हुए 40 क्वेश्चन हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे सब डिस्कस करेंगे। अभी हमारे पास कुछ ही टॉपिक बचे हैं, 3-4 टॉपिक बचे अप्लाइड के, 2 टॉपिक एक तो रियल का कुछ पार्ट बचा है और ग्रुप थ्योरी के, और अप्लाइड में आई थिंक न्यूमेरिकल भी हो गया, सीओवी भी हो गया हमारा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी हो गया, डिफरेंशियल ज्योमेट्री बचा है, एक वो डिस्कस करना है, एक फंक्शनल एनालिसिस डिस्कस करना है हमको। तो एक लेक्चर में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना होगा, क्योंकि वो हमने इससे पहले नहीं डिस्कस किया था। तो जो हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री डिस्कस करेंगे, सिर्फ 3 ही क्वेश्चन आए थे, वैसे क्वेश्चन का आंसर तो मैं डायरेक्ट दे सकता हूं, बट मैं उसको थोड़ा आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे सारी चीजें उसमें जो टर्म्स यूज होते हैं वो सारी चीजें क्या होती है। तो एक डिफरेंशियल ज्योमेट्री डिस्कस करेंगे, एक वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेजर थ्योरी, क्योंकि उसमें भी एक क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी आपको बता रियल में बता दूंगा जो ऑब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूस से लेके, लेकिन जो 2 क्वेश्चन है जहां पे हम लोग कुछ थ्योरम्स यूज करते हैं जो कि थोड़ा मेजर थ्योरी के डिटेल में होता है, तो वो सारे कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे जो साइन मेजर से रिलेटेड है। तो वो एक तो आपका टाइम लगेगा, रेडॉन निकोडिन थ्योरम्स एक है, वो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, डिफरेंशियल ज्योमेट्री को डिटेल में डिस्कस करेंगे, फंक्शनल एनालिसिस, और उसके बाद जो टॉपिक हम बाकी तो ऑलरेडी कर चुके हैं, हाँ एक लेक्चर आपका बूलियन अलजेब्रा पे 4 क्वेश्चन जिसमें आपका
एक तो लॉजिक से क्वेश्चन आते हैं, ग्राफ थ्योरी से आते हैं, बुलियन अलजेब्रा से आते हैं, एक लेक्चर वो डिस्कस करेंगे, एक मेजर थ्योरी, एक फंक्शनल एनालिसिस, एक डिफरेंशियल ज्योमेट्री, रियल का अगर एक में पॉसिबल हुआ तो, नहीं तो फिर ना दो लेक्चर में करेंगे, एक आपका मॉडर्न अलजेब्रा। तो आपके टोटल 6 और एक लेक्चर मैकेनिक्स का, तो टोटल 7 लेक्चर और होंगे आपके। तो मैं सोच रहा हूं अगले वीडियो में आपको ग्रुप थ्योरी बता दूं, उसके बाद फिर रियल एनालिसिस, उसके बाद क्लासिकल मैकेनिक, उसके बाद जो 4 बचेंगे उसमें एक बार डिफरेंशियल ज्योमेट्री ले लेंगे, एक लेक्चर में मेजर थ्योरी, एक लेक्चर में फंक्शनल एनालिसिस और एक लेक्चर में आपका बूलियन अलजेब्रा। तो ऐसे टोटल 7 लेक्चर और होने वाले, उसके बाद आपका 2020 के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे डिस्कस हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, और जो 2021 के, ताकि आप नेक्स्ट ईयर जब 2022 का पेपर दो तो आपको लगे कि जो भी मिस्टेक्स हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को किए जाते हैं और आपसे कोई मिस्टेक ना हो। और दूसरी बात ये क्लियर हो जाना चाहिए कि 2020, 2021, 2019 के जो पैटर्न है वो सेम आते हैं, तो आपको उसी के नेबरहुड में जो रिलेटेड क्वेश्चन है सिर्फ वही सॉल्व कर दें। अगर कुछ हट के आगे तो भी आपके पास इतने क्वेश्चन रहते हैं कि आप उसी से आपका पेपर निकल जाएगा। इसके अलावा अगर आप जल्दी थोड़ा प्रिपरेशन कर रहे हो एमएस सेट के लिए तो पेपर 1 पे थोड़ा फोकस करो, क्योंकि ऐसा ना हो कि पेपर 1 की वजह से आपके मार्क्स कम आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम लोग बाकी डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।